स्कूल क्लास सेवन, हम उसका जियोग्राफी का सेवन लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ लिया था सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। बस ये थोड़ा सा रह गया था आपका संचार। संचार के बारे में पढ़ेंगे कि संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी संचार के साधन क्या होते हैं कि जब हमें अपने विचारों को, सूचनाओं को एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाते हैं, ठीक है। मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर दिया। संचार के क्षेत्र का विकास विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग हुआ है। वो उसमें कौन कौन है? समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन में बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। जैसे सैटेलाइट्स में संचार में तीव्रता है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल सहायक होते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं ना। सेलुलर फोन के माध्यम से हम टेलीफोन संचार अधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से हम विश्वभर में केवल सूचना और सहायता ही नहीं मिलती, वैसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब घर बैठे हम हवाई जहाज़ या सिनेमा होटल के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच जो है संपर्क होने के कारण हम विश्व के रूप में विकसित हुए हैं। तो ये क्या है? ये सारे संचार के साधन हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपके एक क्वेश्चन आंसर है, जैसे परिवहन के चार प्रकार कौन कौन से, वही बताना है। रेल मार्ग, वायु मार्ग, रेलवे। और बस्ती क्या है? बस्ती मैंने बताई थी कि जहाँ पर लोग स्थायी रूप से रहते हैं। उसी प्रकार ग्रामीणों के क्रियाकलाप बताने की कौन कौन से काम करते हैं। उसी प्रकार रेल मार्ग के कुनी दो गुणों का वर्णन, भी सब सामान को ले जाना कम रेटों पर आसानी से होती है। उसी प्रकार संचार से वो भी अभी भी समझाया कि संचार से आप क्या समझते हैं और जनसंपर्क माध्यम क्या है। उसके बाद आपके नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि कारण बताइए, आज विश्व जो है सिमटता जा रहा है, इसका एक कारण बताना है। और आपके ये मिलान वाले ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, मानव पर्यावरण अनुक्रिया उष्णकटिबंधीय, ठीक है।